कोविड-19 की वजह से हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि देश और दुनिया भर के शिक्षार्थी और शैक्षणिक संस्थाएं बेहद ही मुसीबत के दौर से गुजर रही हैं। फिर भी इनको जैसे तैसे संचालित करने के लिए हर प्रदेश की राज्य सरकारें और शैक्षणिक संस्थान मैनेज कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बैनर तले चलने वाले स्कूल भले ही सारा साल भर बंद रहे हों, बावजूद इसके इन स्कूलों में शिक्षा हासिल करने वाले स्कूली छात्रों का साल बर्बाद ना हो और जो ऑनलाइन पढ़ाई इनकी ओर से करवाई गई है उसके तहत सालाना परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएं, इसके लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फैसला किया है कि वो 4 मई से 29 मई तक बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा, जिसके तहत 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 29 मई तक चलेंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 मई से 20 मई और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 से 19 मई तक होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी की माने तो बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट पर छात्र, अध्यापक और अभिभावक वर्ग के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य प्रबुद्ध वर्ग से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी तक इन वर्ग से अपील की गई है कि वो अपने अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8वीं और 10वीं की परीक्षाएं सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक होंगी, जबकि जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 1:45 से लेकर 5 बजे तक होगा। डॉक्टर सोनी ने बताया कि इस कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखा जाएगा, जिसके लिए पहली मर्तबा 2-2 अलग कक्षाओं के एग्जाम एक साथ न करवाते हुए उनकी टाइमिंग अलग अलग रखी गई है, ताकि कोरोना संक्रमण से भी बचा जा सके और छात्रों की परीक्षाओं में भी किसी प्रकार का कोई खलल न पड़े। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवाता भी है और उसके पेपर सेट करने का काम सारा ये बोर्ड का जिम्मा होता है, तो उसमें डेट शीट अभी हमने टेंटेटिव जारी की है। 4 मई से मैट्रिक SOS के साथ और +2 SOS के साथ और साथ में SOS जो 8वीं के हैं उनके पेपर प्रारंभ होंगे और प्रयास ये रहेगा कि मई के महीने में ये पेपर समाप्त हो जाएं। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण अभी बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से कक्षा में आकर नहीं हो पाई है, हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई उनकी हुई है। ऐसा बच्चों की मांग है कि कुछ समय हमें ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि कक्षाओं में हमारी पढ़ाई शुरू हो जाए और डाउट्स भी हमारे वहाँ पर जो हैं वो क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं। CBSE ने भी जो डेट शीट जारी की है वो 4 मई से मैट्रिक और +2 के एग्जाम प्रारंभ होंगे। सामान्यतः हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड जो परीक्षाएं लेता था ये एनुअल, ये मार्च के महीने से प्रारंभ कर देते थे 2 या 3 तारीख से, लेकिन कोविड-19 के कारण जो परिस्थितियां ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बन गई थी उसके कारण हमने ये थोड़ा सा 2 महीने का और अंतराल लिया है, जिससे कि बच्चे और कंफर्टेबल हो जाएं और ठीक प्रकार से वो परीक्षा दे पाए। 2 प्रकार की कक्षाएं हैं, एक ऐसी कक्षाएं जिन्हें बोर्ड क्लासेस कहते हैं और दूसरी कक्षाएं जो हैं वो नॉन बोर्ड क्लासेस की होती हैं। नॉन बोर्ड क्लासेस में भी कुछ कक्षाओं के साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का कंसर्न रहता है, जैसे 5वीं और 8वीं की कक्षाएं। तो 5वीं और 8वीं का जो डेट शीट जारी की जाती है और उसके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और साथ ही जो आंसर शीट्स होती हैं वो बोर्ड जारी करता है, तो उनके संदर्भ में भी डेट शीट लगभग तैयार है और 1-2 दिनों में उस डेट शीट को भी हम पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। कुछ ऐसी कक्षाएं हैं जैसे 9th और 11th जिनमें हम डेट शीट बनाते हैं, विभाग को भेजते हैं और वहां से क्लियर होने के बाद पेपर सेटिंग का काम हमारे पास होता है, तो उसमें भी काम पूरा जारी है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा, जो सरकार को हमने एक प्रोजेक्ट दिया था उसमें भी ये कहा था, आग्रह किया था सरकार से कि नॉन बोर्ड की परीक्षाएं जितनी भी हैं वो 10 अप्रैल तक कर ली जाएं और 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रैक्टिकल के एग्जाम्स करने हैं बोर्ड परीक्षाओं के, और 4 मार्च से फिर हमने आगे बोर्ड की परीक्षाओं को 10वीं और 12वीं की करना है।
ये इसलिए है कि अन्य कक्षाओं को पहले हम उनकी परीक्षाएं ले लें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। और आठवीं और नौवीं की जो भी डेट शीट हमने बनाई है वो इस प्रकार से बनाई है, पहले आठवीं और नौवीं के मॉर्निंग सेशन में एग्जाम होते थे, लेकिन हमने अल्टरनेट डेज में कर दिया इनको, पहले इकट्ठे एक दिन में होते थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, क्राउडिंग ना हो वहां पर स्टूडेंट्स की कैंपसेस में स्कूल्स में, तो इस प्रकार की व्यवस्था की है। इससे संबंधित एक सवाल और आप स्वाभाविक तौर पर पूछेंगे, उसका मैं वैसे ही जवाब देता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए परीक्षाओं को आप किस प्रकार से आयोजित करेंगे। तो सारी परीक्षाओं को आयोजित करने का काम पहले क्या होता था कि दसवीं और बारहवीं के मॉर्निंग सेशन में हम परीक्षाएं लेते थे, तो इस बार दसवीं का मॉर्निंग सेशन में करेंगे और बारहवीं का इवनिंग सेशन में करेंगे, जिससे कि कम संख्या में बच्चे आए वहां पर। और साथ साथ हम ये भी एनालाइज करेंगे कि यदि किसी सेंटर में ज्यादा बच्चे पिछले साल हमने दिए थे, अलॉट किए थे, तो उस सेंटर में स्टूडेंट की संख्या कम और मैनेजेबल हो जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, तो हम और सेंटर बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो ये आगे काम शुरू होगा, परंतु ये डेट शीट जो डाली है वो 10 फरवरी तक, इसके लिए हमने सजेशन सुझाव मांगे हैं, जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर फिर ये फाइनल कर दी जाएगी। काबिल-ए-गौर है कि जहां मई और जून महीने तक वार्षिक परीक्षाओं के परीक्षा फल हासिल कर छात्र अपनी नई कक्षाओं में बैठना और दाखिला लेना शुरू कर देते थे, वहीं इस साल कोविड 19 के चलते पहली मर्तबा मई महीने में वार्षिक परीक्षाएं ली जा रही हैं और इनके परीक्षा परिणाम जब तक घोषित नहीं होंगे तब तक देश के कर्णधारों का भविष्य किस घोर अंधकार से होकर गुजर रहा होगा, इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।